हेलो स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू के सो इन दिस वीडियो वी विल सी नेक्स्ट अकाउंटिंग फुल इज मीन बाय यानी यानी क्या खुलासा क्या किसी को कोई बात बताना या सार्वजनिक रूप से प्रकट करना सो वॉट इज दिस फुल डिस्कलोजर कंसेप्ट इन सब्जेक्ट अकाउंट यू कैन सी ऑन द स्क्रीन सम इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स फुल डिस्लोजर सी इट मीन द अकाउंट मस्ट डिस्कलोज ऑल मटेरियल इन्फॉर्मेशन जो भी मटेरियल जो भी इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन है वो सभी इंफॉर्मेशन अकाउंट में आनी चाहिए यानी डिस्क्लोज होनी चाहिए द अकाउंटिंग रिपोर्ट्स शुड डिस्क्लोज फुल एंड फेयर इंफॉर्मेशन टू द रिलेटेड पार्टीज जो भी अकाउंटिंग रिपोर्ट्स बनती है जो अभी अकाउंट बनते हैं ट्रेडिंग अकाउंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो स्टेटमेंट बनती है बैलेंस शीट तो उसमें सभी जो भी कंपनी की जो भी इंफॉर्मेशन है जो भी बिजनेस की इंफॉर्मेशन है वो फुल एंड फेयर इंफॉर्मेशन आनी चाहिए जो इंफॉर्मेशन जो रिलेटेड जो भी पार्टीज़ हैं उनको काम की हो तो रिलेटेड पार्टीज डिफरेंट ग्रुप्स कौन से कौन से हैं जैसे है इन्वेस्टर्स है जिन्होंने बिजनेस में कंपनी uh, में इन्वेस्ट किया है ट्रेडर्स है जो बिजनेस के साथ डील कर रहे हैं क्रेडिटर्स है जिनको बिजनेस के पास से पैसा मिलने वाला है एम्प्लॉयज़ है जिन्होंने जिनको सैलरी मिलने वाली है सो so, जो भी रिलेटेड पार्टीज है उनको तो सब इन्फॉर्मेशन वो सब चाहते हैं कि कंपनी की जो भी एंटरप्राइज की जो एक्चुअल ट्रू एंड फेयर इन्फॉर्मेशन है वो उनको पता चले क्योंकि उसी के ऊपर उनको आगे का डिपेंड होगा जैसे एम्प्लॉयज बोलेंगे हमें सैलरी मिलेगी या नहीं मिलेगी टाइम पे क्रेडिटर्स बोलेंगे हमने जो भी पैसा दिया हुआ है वो हमें टाइम पे वक्त पे मिलेगा या नहीं मिलेगा इन्वेस्टर्स है वो बोलेंगे हमने इतना इन्वेस्ट किया है हमें टाइम पे डिविडेंड इंटरेस्ट हमारा एक्चुअल प्रिंसिपल अमाउंट रिटर्न मिलेगा या नहीं मिलेगा सो so इसलिए वो क्या चाहते हैं कि जो भी कंपनी की पोजीशन एंड परफॉर्मेंस है फाइनेंशियल पोजीशन एंड परफॉर्मेंस शुड बी डिस्कलोज वेरी ऑनेस्टली टू ऑल दिस यूजर्स फाइनेंशियल पोजिशन यानी क्या इट मीन्स द बैलेंस शीट ऑफ द बिजनेस एंड फाइनेंशियल परफॉर्मेंस मीन्स बिजनेस रिजल्ट in terms of profit or loss and income and expenses in profit and loss account so ye jo bhi information hai jo bhi company ki position hai wo bahut hi honestly users ko pata honi chahiye full disclose ho jani chahiye to yahi hai full disclosure concept हम कुछ example भी देखेंगे आगे. so all the information disclosed should be relevant वो relevant होनी चाहिए, relevant कुछ भी information नहीं चाहिए, it should be reliable comparable दो एंटरप्राइज दो बिजनेस कंपेयर भी कर सकते हैं उस तरह से वो जो भी इंफॉर्मेशन है वो होनी चाहिए एंड अंडरस्टूड बाय ऑल द कंसर्न ऑथोरिटीज यू कैन सी सम ऑफ़ एग्जांपल कि फुल डिस्क्लोजर कंसेप्ट है यानी क्या तो जैसे एग्जांपल्स में मैंने यहाँ पे दिखाया है फर्स्ट पॉइंट देखो प्रिपेयर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहे

डिस्क्लोज होने चाहिए सेकेंडली जो भी कॉन्टिंजेंट uh, लाइबिलिटी है कॉन्टिंजेंट असेट है लीगल प्रोसीडिंग्स है इवन दो देर इज ऑफन नो फिगर प्रेजेंटेड इन द मेन फाइनेंशियल स्टेटमेंट में तो ये रहता नहीं है तो एटलीस्ट इट इज इंपॉर्टेंट टू डिस्कलोज दिस इन द नोट्स एटलीस्ट वो नोट्स में तो भी पता होना चाहिए थर्डली सिग्निफिकेंट इवेंट्स ऑकरिंग आफ्टर द डेट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बट बिफोर द इश्यू ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट इश्यू हो गई है उससे पहले बिफोर द इश्यू ऑफ दिस फाइनेंशियल स्टेटमेंट कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स हुए हैं तो वो इवेंट्स जो भी है दे शुड नीड टू बी डिस्कलोज फोर्थ पॉइंट डिटेल्स ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट कैनोट बी प्रेजेंटेड ऑन द फेस ऑफ द बैलेंस शीट अगर आपने आ, कोई भी अपने जो भी कंपनीज कंपनीज़ तो देखी होगी तो शेड्यूल दिया हुआ रहता है पूरा का पूरा में इतना डिटेल इंफॉर्मेशन नहीं दे सकते अदरवाइज वो बहुत ही बड़ी हो जाएगी तो डिटेल जो भी है प्रॉपर्टी की है या प्लांट एंड इक्विपमेंट या कोई भी असेट की है वो बैलेंस शीट में नहीं होगी पर एटलीस्ट वहां पे नीचे सबका डिटेल शेड्यूल होना चाहिए शेड्यूल में पूरा सब इंफॉर्मेशन रहता है कि कॉस्ट क्या है असेट का पूरे साल का एक्यूमलेटेड डेप्रिशिएशन कितना है सेल्स क्या है रिजर्व क्या है पूरा इंफॉर्मेशन शेड्यूल में दिया गया रहना चाहिए देन फिफ्थ पॉइंट इफ द टेक्स इज एक्सपेक्टेड टू चेंज इन द नियर फ्यूचर अ डिस्लोजर मस्ट बी मेड सो दैट पोटेंशियल इन्वेस्टर में इनकॉर्पोरेट द इंफॉर्मेशन इन टू हिस्स फ्यूचर प्रोजेक्शन अगर आगे जाके कुछ सपोज टैक्स रेट चेंज होने वाले और ये पता होगा अगर कुछ टैक्स क्या चेंज होने वाले अगर कुछ सिग्निफिकेंट चेंज है टैक्स पॉलिसी में तो वो भी क्या होना चाहिए डिस्क्लोज़ होना चाहिए वो इंफॉर्मेशन मिलनी चाहिए इन्वेस्टर्स को यानी अगर आगे जाके उनको एंटरप्राइज में इन्वेस्ट करना है तो वो सोच सकते हैं उस हिसाब से वो चेंज कर सकते हैं सिक्स पॉइंट अगर कुछ भी न्यू रेजिस्टेशन है न्यू लॉज है न्यू पॉलिसी है जिसका कंपनी के ऊपर कंपनी के वर्क के ऊपर आगे जाके प्रॉफिट लॉस पे ऊपर अगर उसका इफेक्ट होने वाला होगा देन द कंपनी मस्ट डिस्कलोज द इंफॉर्मेशन टू हेल्प यूजर्स सी वॉट इज कमिंग सेवेंथ पॉइंट इफ अ कंपनी सेल्स वन ऑफ इट्स इट्सिडरीज टू अ कंपनी रन बाय द स्पाउस ऑफ वन ऑफ इट्स डायरेक्टर्स यानी सपोज ऐसे भी हो सकता है जो भी कंपनी uh, की सब्सिडरी कंपनी वगैरह रहती है तो अगर उन्होंने किसी डायरेक्टर uh, ने अपने स्पाउस को सेल किया है यानी स्पाउस हस्बैंड और वाइफ तो सेल किया है तो वो इंफॉर्मेशन भी क्या होनी चाहिए डिस्क्लोज होनी चाहिए शेयर होल्डर्स को पता होनी चाहिए यानी उनको भी पता चलेगा कि हाँ उनका इंटरेस्ट कुछ अफेक्ट तो नहीं हो रहा है एंड मेक श्योर दैट डेयर इंटरेस्ट आर प्रॉपरली प्रोटेक्टेड तो ये कुछ एग्जाम्पल्स है फुल डिस्कलोजर कंसेप्ट के होपफुली आपको ये कंसेप्ट समझ में आ गई होगी फुल डिस्क्लोजर इन्फॉर्मेशन मींस द अकाउंट मस्ट डिस्कलोज ऑल मटेरियल इंफॉर्मेशन अभी इसी रिलेटेड नेक्स्ट कंसेप्ट है मटेरियलिटी कंसेप्ट जो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे ओके थैंक यू स्टूडेंट्स हैव अ गुड डे बाय